दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे माइक के बारे में बताऊंगा जो काफी अच्छा माइक है, सबसे सस्ता और बढ़िया माइक इसको माना जाता है। तो दोस्तों इस माइक का नाम है बोया BY-M1। तो दोस्तों इसकी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये काफी अच्छा माइक है जिसकी कीमत दोस्तों काफी आपके बजट के अनुसार है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नए तथा पुराने यूट्यूबर्स इस माइक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये माइक काफी अच्छा माइक माना जाता है और इसकी खास बात यह है दोस्तों, इसे आप अपने फोन, आईपैड, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, DSLR कैमरा किसी एक डिवाइस के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको, इसके फुल फीचर के बारे में आपको बताऊंगा और इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो पर बने रहें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपने कोई वीडियो शूट करी है, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आपने कितनी भी अच्छी करी हो लेकिन अगर आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो दोस्तों उस वीडियो का कोई महत्व नहीं है। अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद तो उस वीडियो को अगर समझ ही ना पाए कोई व्यक्ति तो उस वीडियो का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है साउंड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए आपको एक माइक परचेज करना चाहिए जिसका नाम है बोया BY-M1। ये काफ़ी अच्छा माइक है, इसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आज भी यूज करते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास है बोया का BY-M1 माइक। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा माइक है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपके स्मार्टफोन के साथ, आईपैड के साथ और ये आपके डेस्कटॉप लैपटॉप के साथ, DSLR कैमरा के साथ, सभी के साथ अवेलेबल है। किसी एक डिवाइस में आप इसको लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा माइक है। दोस्तों अगर आपको कोई यूज़ करने में कोई दिक्कत आती है, दोस्तों आप यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया सहायता के लिए कॉल करें। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में अगर ये यूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप इसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी दे रखा है, तो आप इसको यहाँ से भी इसको कॉल, कस्टमर केयर को कॉल करके यहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसे बार कोड दिखाया गया है। इसे दोस्तों आप इसको नया लेके आएंगे तो इसका बार कोड जो है, बार कोड यहाँ पे स्क्रैच करेंगे, ये बार कोड आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको सबसे बड़ी बात ये है, इसके एक साल की आपको गारंटी के साथ आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप माइक के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोस्तों, ये माइक का, ये जो माइक है मेरे पास, इसके साथ आपको एक नॉइज रिडक्शन ये दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लगाएंगे तो आप जब भी वीडियो कोई शूट करते हैं तो इस माइक के द्वारा, तो जो बैकग्राउंड में कोई नॉइज वगैरह आती है तो इससे रिमूव हो जाती है। तो दोस्तों ये आप इसको यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, और आप इसे रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो बैकग्राउंड में जो कोई आवाज़ आती हैं, जैसे कुछ आप आसपास की आवाज़ आ गई या कुछ भी आती है, तो इससे जो है ये इसको हटा देता है। काफ़ी अच्छा माइक है। तो दोस्तों आप इसे DSLR कैमरा के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इसका मोड है, कैमरा, ये अगर आपके पास DSLR कैमरा है तो इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसे स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हैं तो इसको नीचे की तरफ हम कर देंगे। तो नीचे करने के बाद दोस्तों आप इसे रिकॉर्ड करिए, काफ़ी अच्छी इसकी माइक की आवाज़ है, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ मैं बता देता हूँ इसके साथ क्या क्या आता है। दोस्तों इसके साथ आपको मिल जाता है 3.5 mm का ये एम्पलीफायर, तो इसका दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं आपको फ्यूचर में कभी इसकी ज़रूरत पड़े दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों आपको एक बैटरी भी दी जाती है, ये रही आपकी बैटरी। दोस्तों ये मार्केट में आपको 10 रुपये तक आपको मिल जाएगी, अगर ये कोई अगर ख़राब हो जाती है या फिर ये बीत जाती है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको मिल जाती है इसके साथ में। और इसके साथ दोस्तों आपको ये एक छोटा सा थैला दिया जाता है इसके, ये रखने के लिए, ठीक है, तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये भी आपको मिल जाता है इसके साथ में। और दोस्तों इस माइक की खासियत यह है कि 20 मीटर लंबी वायर है, 20 मीटर लंबी बहुत होती है दोस्तों। अगर आप इसे अपने फ़ोन में लगाने के बाद इसे कितनी भी दूरी तक आप ले जा सकते हैं, इसकी दूरी जो है 20 मीटर होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बोया BY-M1 है, ये दोस्तों दो क्वांटिटी में आता है, एक जो है ये 6 मीटर का आता है और एक आता है दोस्तों ये 20 मीटर का, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बड़े यूट्यूबर्स और छोटे यूट्यूबर्स इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी यूट्यूबर्स इसको अपने कॉलर पर लगा के रखते हैं, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ये है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए।
दोस्तों साथ में आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा माइक है, इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप इसे वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए बोया का BY-M1 है और ये काफ़ी अच्छा माइक माना जाता है। दोस्तों साथ ही इसे कंपनी आपको एक साल की वारंटी के साथ आपके लिए ये देती है, तो एक साल की वारंटी आपको दी जाती है और 7 दिन की रिप्लेसमेंट भी आप कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसकी रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी है। इसकी अमाउंट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी अमाउंट जो है 1300 रुपये, सिर्फ 1300 रुपये में ये आपको मिल जाता है ऑनलाइन। और दोस्तों इसका जो 6 मीटर का जो मैंने बताया था, 6 मीटर वाली आपको 900 रुपये में मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी ये साउंड क्वालिटी आपको देता है। दोस्तों इसके बैक में भी पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका ये इसके नॉइज रिडक्शन सेंसिटिविटी कनेक्टर 3.5 mm का पोलर पैटर्न और ये ट्रांसक्शन जो भी है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको ज़रूर परचेज कीजिए। और आपको कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ये आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है आपके फ़ोन में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी दे रखे हैं, आप इसे वहाँ से भी कॉल करके आप इसकी सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है ये, इसे आप किसी भी डिवाइस में आप इसे लगा सकते हैं, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, DSLR कैमरा हो गया, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब मैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये है मेरे मोबाइल फ़ोन की आवाज़ है। और दोस्तों अब मैं इसके माइक के बारे में आपको उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो सुनाऊंगा, आप बताएंगे दोनों में क्या अंतर है, आप खुद ही आप डिफरेंस लगा सकते हैं। ये मेरे मोबाइल की आवाज़ जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको इसके बोया माइक जो है इसे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कैसी है। हाँ तो दोस्तों ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं इस वक्त, ये है बोया माइक की आवाज़ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज रिडक्शन कुछ नहीं आ रहा है। तो ये बोया माइक से मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके सामने। ये बोया माइक के बारे में मैंने आपको फुल वीडियो बना के दिखाई है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों अगर कोई आपके पास कुछ डाउट है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जो वीडियो में आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त, ये बोया BY-M1 की आवाज़ है। तो आप खुद ही देखिए कितना डिफरेंस आपको दिखाई देगा मोबाइल की आवाज़ में और बोया BY-M1 की आवाज़ में। तो काफ़ी अच्छा माइक आपको ये पे मिल जाता है दोस्तों मात्र 1300 रुपये में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अमेजोन पे इसके साथ आप अमेजोन पे आपको इसके साथ ट्राईपॉड भी मिल सकता है मिनी वाला, तो आप लेंगे तो आप थोड़ा देख के लीजिए, इसकी जो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी और साथ में आपको ट्राईपॉड भी मिल जाएगा। और दोस्तों ये है मेरे आवाज़ जो आ रही है आपको, ये मोबाइल की साउंड की आवाज़ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों दोनों में ये अंतर है, आप जो बैकग्राउंड में जो नॉइज़ थी वो हट जाती है बोया BY-M1 के माइक से। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा माइक है, आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करके बताया आपको इसके साथ साथ क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए। और दोस्तों ये जो आप एक चीज़ जो मैं आपको और बता देता हूँ इस वीडियो में, ये आप इसको जो बैटरी मैंने आपको दिखाई थी ये कहाँ पे लगेगी इस बैटरी में, ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये इसको आप ऊपर की तरफ ओपन की तरफ करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों यहाँ पे ये जो जगह खाली दिखाई दे रही है, तो इसे आप यहाँ से सेल डाल देंगे इसका, तो आपको बैटरी दी गई है वो यहाँ पर डल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा माइक है दोस्तों। अगर आप DSLR यूज़ कर रहे हैं तो तभी आपको ये बैटरी डालनी है, अगर DSLR कैमरा आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बैटरी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें बैटरी नहीं डलेगी, ना ही स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तब डलेगी। खाली DSLR कैमरा के लिए आप इसमें बैटरी डाल सकते हैं और इसको बटन को जो है ऊपर की तरफ आप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप DSLR कैमरा से यूज़ कर सकते हैं और नीचे की तरफ करेंगे तो दोस्तों ये मोबाइल से रिकॉर्ड होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बोया BY-M1 के बारे में बताया, इसके फीचर के बारे में बताया, साउंड क्वालिटी के बारे में बताया। दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये माइक माना जाता है दोस्तों, सिर्फ 1300 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। और दोस्तों इसके साथ आपको क्या क्या फ्री मिलेगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों ये आप अमेजोन से परचेज़ कीजिए और आपको इससे फास्ट डिलीवरी मिलेगी। तो
तो दोस्तों हमारी वीडियो पे आप बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर दोस्तों अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो खेम कुमार के नाम से मेरी आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।